नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। भाजपा के बड़े नेताओं में शुमार शहनवाज हुसैन को बिहार का नया उद्योग मंत्री बनाया गया है। उन्होंने बुधवार को बिहार के उद्योग विभाग का कार्यभार संभाल लिया। पदभार संभालते ही शहनवाज हुसैन एक्शन मोड में आ गए हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में इंडस्ट्री लाना, निवेश बढ़ाना और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और अब उद्योग की बड़ी संभावनाओं को देखते हुए हम इंडस्ट्री लाने का प्रयास करेंगे। शहनवाज हुसैन को MLC बनाकर बिहार कैबिनेट में शामिल किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक शहनवाज हुसैन के पास कुल 3.92 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें 22,78,145 रुपये की चल संपत्ति है और 3,70,00,000 रुपये की अचल संपत्ति शामिल है। भाजपा के नामी नेता शहनवाज हुसैन को बिहार का नया उद्योग मंत्री बनाया गया है। शहनवाज हुसैन ने आगे कहा कि बिहार के लोगों का डंका पूरी दुनिया में बसता है। बिहारी देश के अलग अलग राज्यों में तमाम उद्योग को चला रहे हैं। कोरोना काल में हाल के दौरान जो श्रमिक और युवा बिहार लौटे हैं, उन्हें जोड़कर यहाँ इंडस्ट्री के लिए नए अवसर तैयार किए जाएंगे। शहनवाज के अनुसार बिहार के हर युवा को रोजगार मिले और हर मजदूर को काम मिले, यही उनका लक्ष्य होगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार लगातार बेहतर काम कर रही है और आगे नए अवसर पैदा करने के साथ साथ हम पार्टी की तरफ से किए गए रोजगार के वादे को भी पूरा कर पाएंगे। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने चुनावी वादे में 19,00,000 बिहार के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने की बात कही थी। इसके साथ ही मंत्री शाहनवाज हुसैन ने देश के बड़े उद्योगपतियों से अपील किया है कि वह बिहार में आकर इंडस्ट्री लगाएं। उन्होंने कहा है कि बिहार में अगर निवेशक आते हैं तो उन्हें राज्य सरकार की तरफ से तमाम सहूलियतें दी जाएंगी। बिहार में सड़क, बिजली, पानी जैसा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। उद्योग लगाने के लिए जमीन की उपलब्धता और उससे जुड़ी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। शहनवाज हुसैन को उद्योग विभाग मिलने के बाद इस बात की उम्मीद जगी है कि बिहार में निवेशक इंडस्ट्री लगा सकते हैं। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार में मंगलवार को 17 नए मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें भाजपा कोटे से 9 मंत्रियों ने शपथ लिया और जदयू कोटे से 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। इससे पहले नीतीश सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़कर 13 मंत्री थे, इनमें जदयू से 4 और भाजपा से 7, जबकि हम और VIP कोटे के एक एक मंत्री शामिल थे। मंगलवार को विस्तार के बाद मंत्रिमंडल में सदस्यों की कुल संख्या 31 हो गई है। इन मंत्रियों में सबसे अधिक दरभंगा जिले से मंत्री बनाए गए हैं, वहीं गोपालगंज और सुपौल जिला से 3-3 मंत्री बनाए गए हैं। दरभंगा जिला से 4 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि वैशाली और सारण सहित कुल 18 जिलों से एक भी मंत्री नहीं बनाए गए हैं। बताते चले कि भाजपा और जदयू ने एक एक अल्पसंख्यक को बिहार के मंत्रिमंडल में जगह दिया है। एक तरफ भाजपा ने शहनवाज हुसैन को मंत्री बनाया है तो वहीं दूसरी तरफ जदयू ने बसपा से बागी होकर जदयू में शामिल हुए मोहम्मद जमा खां को अपने कोटे से मंत्री बनाया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।